हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल का जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये निकला है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2020 के लिए। तो आई होप आपने थंबनेल पर तो पढ़ ही लिया होगा। आज हम इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है ये जानना कि हमें ये जो फॉर्म है भरना चाहिए या नहीं, हमें ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देना चाहिए या नहीं। तो जितना मैंने एनालिसिस किया है तो इसके व्यूज़ जो है पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। इसमें एक बात हम नहीं कह सकते कि ऐसा ही है या नहीं है। तो वो कैसा ही है कि ऐसा लोगों से पता चला है, ऐसा एनालिसिस हुआ है कि जिनका बैकग्राउंड जो है आर्मी से ही होता है, उनकी फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई अदर हैं जो कि आर्मी से ही हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड क्या है आर्मी से होना चाहिए, तो उनको ही ये जॉब दी जाती है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है, कुछ हमने देखे हैं दो चार लोग जिनको नॉन बैकग्राउंड ऑफ आर्मी होने के बावजूद भी ये जॉब मिली है। तो पॉइंट इसमें ये है कि चांसेस इसमें इतने हैं कि 90% लोग जो हैं वो शामिल होंगे जो कि आर्मी बैकग्राउंड के हैं, और बचे 10% ले लिए जाते हैं जो कि नॉन आर्मी बैकग्राउंड के भी हैं। तो अब पॉइंट ये है कि आपको ये फॉर्म भरना है कि नहीं। अब अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा है, मतलब आप इसकी जो फ़ीस है जैसे कि 500 रुपये की फ़ीस होती है इसकी फॉर्म फिल करने की, वो आप दे सकते हैं। आपको मतलब इसके लिए काफ़ी जुगाड़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप PRT, TGT, PGT इन सब के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके लिए तो ये 1500 हो जाते हैं, 1000 हो जाते हैं, 500 हो जाते हैं, मतलब जितने भी हैं आप 2-1 जितने भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये अमाउंट भी काफ़ी हो जाता है। तो अगर आप फिल कर सकते हैं, इतना अमाउंट आप दे सकते हैं तो ही आप फॉर्म फिल करें। दूसरी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई बात नहीं मेरा फॉर्म फिल हो जाएगा, तो अगर मेरा जॉब में नंबर नहीं भी आया, मेरी जॉब नहीं भी लगती है, मेरा नंबर नहीं भी आता है, तो कोई बात नहीं, मुझे तो इस बात से मतलब है कि मेरा थोड़ा सा तैयारी हो जाएगी, इसी बहाने मेरी पढ़ाई हो जाएगी, तो आप फॉर्म बिल्कुल फिल कीजिए। क्योंकि ये है कि पढ़ाई का तो कोई भी जरिया हो वही अच्छा होता है, आप इसकी जरिए जो है पढ़ाई कर पाएंगे अपनी। क्योंकि अगर हमने कोई फॉर्म फिल कर दिया तो हमारे दिमाग में रहता है कि यार एग्ज़ाम होगा तो मुझे पढ़ना भी है, तो आपके दिमाग में भी वही हो जाएगा अगर आप फॉर्म फिल कर देंगे। अब पॉइंट आता है कि इसके इस ये जो नोटिफिकेशन निकला है इसके अंदर क्या क्या कहा गया है। तो हर साल जो है आर्मी पब्लिक स्कूल का ये स्क्रीन टेस्ट का नोटिफिकेशन निकलता है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि इसी साल निकल रहा है, हर साल निकलता है। और इसमें 8000 वैकेंसीज होती है हर साल, तो ये फिल भी की जाती हैं। अब वो किस हिसाब से फिल की जाती है वो तो उन्हीं को पता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना ये भी है कि हम इंटरव्यू अच्छे से देकर के आए हैं, काफ़ी अच्छा गया है, लेकिन फिर भी मेरा तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं। तो उनके हिसाब से नेगेटिव व्यूज़ भी हैं कि इसमें तो सिर्फ आर्मी बैकग्राउंड वालों को ही लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का जिसका मतलब जॉब लग जाती है, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वो तो यही बोलेंगे ना कि नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं सिलेक्शन का प्रोसीजर है क्या क्या। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप प्लीज़ कोई भी पेड टेस्ट या फिर पेड कोई भी सीरीज़ वगैरह ना लें। आप क्या है किस तरीके से कर सकते हैं तैयारी, अपना थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करेंगे, या फिर आपने कोई अदर एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, फिर तो आपको थोड़ा सा जो है उससे भी आपको पता होगा कि किस किस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं। तो हम चलते हैं इसके क्राइटेरिया पर, सिलेक्शन के प्रोसीजर पर। ये जो है पूरे 3 स्टेजेस में होता है। इसका पहला स्टेज होता है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। अभी जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है ये जो है ऑनलाइन मोड से होगा, ये कंडक्ट होगा 21 और 22 नवंबर 2020 को, मतलब इसके लिए वैकेंसी निकलेंगी। सबसे पहली बात तो है वैकेंसी निकलने के लिए, किसकी वैकेंसी निकलेंगी 21 और 22 नवंबर 2020 को, और ये ऑनलाइन होगा। और अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, जिसके बाद आपका आगे की प्रोसेस जो है बचे हुए जो स्टेजेस हैं, जैसे इसमें टोटल 3 स्टेजेस होती हैं, बचे हुए 2 स्टेजेस आप तब कर पाएंगे अगर आपके पास वो स्कोर कार्ड होगा। फिर आता है कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिनके पास पहले से स्कोर कार्ड है लेकिन उसमें वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनका ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं रहा था, तो वो दोबारा से फॉर्म फिल कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर आता है कि दोज डिज़ायरस ऑफ अपग्रेडिंग देमसेल्फ, जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि किसी के पास स्कोर कार्ड है TGT का लेकिन अब वो किसके लिए चाहता है PGT के लिए, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। चलते हैं, इसमें नोट क्या दिया हुआ है कि होल्डिंग अ स्कोर कार्ड बाई इट सेल्फ
डज नॉट एंटाइटल यू एन यू टू एन अपॉइंटमेंट एज टीचर इन एनी आर्मी पब्लिक स्कूल, कि अगर आपके हाथ में स्कोर कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में आप एज अ टीचर अपॉइंट हो चुके हैं। आपके लिए क्या ज़रूरी है, स्टेज टू और थ्री को भी क्वालिफाई करना। अब इसके स्टेज टू है क्या, स्टेज टू में होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आ जाते हैं, अगर आपके पास अच्छा स्कोर कार्ड है, उसमें अच्छे मार्क्स हैं, तो आपके पास क्या है, स्कोर इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी, फिर आप अपना इंटरव्यू देंगे। अगर आपका अच्छा होगा तो आगे का जो स्टेज थ्री है उसमें क्या होता है, स्टेज थ्री के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, इवेल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। अब उसके अंदर जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं उसकी इवेल्यूएशन किया जाता है, जो भी उनका एक अलग क्राइटेरिया है उसके लिए। तो अगर आप ये तीनों स्टेजेस पार कर लेते हैं, उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपकी ये जो पक्की, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं जो इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं कि स्टेज टू एंड थ्री विल बी हेल्ड इन टैंडम अंडर द एजेस ऑफ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट HQ कमांड और स्कूल मैनेजमेंट, कि अपने हिसाब से स्टेज टू और थ्री जिस भी तरीके से करते होंगे वो सब कुछ करेंगे, दैट इज नॉट टू वरी। अब आता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की बात। टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू एंड इवेल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल, आपको क्या है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करना ज़रूरी है, जो कि 21-22 नवंबर 2020 को शेड्यूल किया गया है। फिर आता है कैटेगरीज क्या क्या हैं, इसके अंदर PGT है, TGT और PRT, इसके अंदर ये तीन कैटेगरीज हैं। फिर आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आप इस टेस्ट को दे सकते हैं या नहीं। अगर आप PGT के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी PGT जो है वो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और BEd में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर आते हैं TGT में भी आपका जो सब्जेक्ट है उससे 50% मार्क्स होने चाहिए, और BEd में भी 50% होने चाहिए। PRT के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए, और कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डिप्लोमा है 2 साल वाला, उसमें भी 50% मार्क्स आपके होने जरूरी हैं। अब इसमें एक और बात दे दी जाती है, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, कि अगर आपके ग्रेजुएशन में क्या है 50% मार्क्स से कम है, लेकिन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है 50% से ज़्यादा हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। क्योंकि कुछ लोगों की, काफ़ी लोगों की क्वेरी ये रहती है कि मेरे ग्रेजुएशन में कम है मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है 50% से ज़्यादा हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की है, सिर्फ आपने ग्रेजुएशन की है और उसमें आपके कम मार्क्स है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। इसमें क्या है, 1 अप्रैल 2021 के हिसाब से इसमें एज देखी जाएगी। वो क्या देखी जाएगी, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपकी बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए एज, और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपकी बिलो 57, मतलब आपके लिए 57 7 साल का और क्राइटेरिया बढ़ जाता है कि आप यहाँ तक भी रिलैक्सेशन है, और 17 साल के लिए, सॉरी, तो फ्रेश कैंडिडेट 40 साल और एक्सपीरियंस कैंडिडेट 57 ईयर्स। अब इसमें एक और बात कह दी गई है कि CTET और TET मैंडेटरी नहीं है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आपको वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अभी तक CTET नहीं दिया है तो आप ये ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट दे सकते हैं, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ये तो बात बता ही दी है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है 2020 का, वो 21-22 नवंबर को होगा। तो अब हम आगे बात करते हैं कि ये पेपर कैसा आता है। तो ऑनलाइन मोड से होगा, ये तो आपको पता चल ही गया है। अब हम बात करते हैं PGT TGT के लिए। ये जो पेपर है ये 2 पार्ट्स में आता है, पार्ट ए और पार्ट बी में। एक पार्ट जो है इसका 90 मार्क्स का होता है, ड्यूरेशन टोटल 180 मिनट की होती है, मतलब इसमें 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स के होंगे और 180 मिनट होंगे आपके पास, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होगी करने के लिए। अब पार्ट ए को देख लेते हैं, उसके अंदर क्या आता है, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कंसेप्ट एंड मेथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड IT। और जो पार्ट बी है उसके अंदर आता है जो आपका जिस मतलब सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आएगा। तो ये तो हो गया PGT TGT के लिए। अब आता है PRT, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है, इसमें जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशन कंसेप्ट, मेथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन और IT आता है। ये 90 मार्क्स का होता है, 90 मिनट होती है, वही है कि 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका TGT PGT PRT के लिए पेपर का पैटर्न है कि क्या क्या आता है। अब इसमें एक और क्या बात बताई गई है, पी डी
पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट्स हु फेल इन पार्ट बी बट पास पार्ट ए मे ओप टू टेक अ स्कोर कार्ड फॉर पीआरटी सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशन। कि अगर आप पीजीटी या टीजीटी में पार्ट बी को फेल कर देते हैं लेकिन पार्ट ए में आप पास हो जाते हैं तो आपके हाथ में स्कोर कार्ड आ जाएगा और आप पीआरटी के लिए अपनी क्वालिफिकेशन को मैच करवा सकते हैं, मतलब आप पीआरटी में काउंट हो जाते हैं एक तरीके से। और इसमें एक और क्या नोट है कि जो स्कोर है वो 100 से नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, मतलब 0.25। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक नंबर कट जाए, इसलिए आप अपनी जो है एक्यूरेसी पर ध्यान दें। जैसे कि जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस्ड आता है तो आप अपनी जो तैयारी है वो भी एमसीक्यू पर ही करें, क्योंकि इससे क्या रहता है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाते हैं। फिर आगे चलते हैं, पार्ट ए एंड बी विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट्स हैव फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चन इन द ऑर्डर इन विच दे प्रीफर। तो ये क्या है, एक प्लस पॉइंट की बात है इसमें कि पार्ट ए और बी आपको दोनों एक साथ अवेलेबल कर दिए जाते हैं और आपके पास एक फ्रीडम होती है कि आप जिस क्वेश्चन पेपर को जिस पार्ट को चाहे अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्लस पॉइंट है। जैसे कि डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में होता है कि आपके पास जो है पार्ट सेक्शन वन पहले खुल के आता है, उसका पहला क्वेश्चन ही आपके सामने खुल के आता है, आप अपने हिसाब से पूरे पेपर के मतलब पेपर में अपने हिसाब से नहीं जा सकते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये क्या है, एक प्लस पॉइंट है कि आपका जो पार्ट अच्छा है उसको पहले करने की कोशिश करें ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा रहे। फिर आगे की बात है, टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट। क्या है, आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने ही हैं क्वालिफाई करने के लिए हर एक पार्ट में। जैसे कि टीजीटी और पीजीटी के लिए दो पार्ट हैं तो एक पार्ट में 50% मार्क्स आपके लिए लाने ज़रूरी हैं। इसकी जो एग्ज़ाम फीस है वो 500 रुपये है और नॉन रिफंडेबल है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए साइट दे दी गई है, 10 बजे सुबह से और शाम को 5 बजे तक है, 1 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 तक है। फिर आगे जो उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको उसके फॉर्म के अंदर भी मिल जाएगी, वो तो आपको आई होप बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपके जो फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह चाहिए वो सब कुछ आप वहाँ पर देख के फिल कर सकते हैं। फिर हम आगे इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल्स की, कि कौन कौन से स्कूल हैं, कहाँ पर हैं। फिर हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट की, आप किस किस सब्जेक्ट के लिए पीजीटी टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, हिंदी के लिए भी आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आप संस्कृत के लिए सिर्फ टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आपको आपके लिए दोनों फॉर्म फिल कर मतलब दोनों कर सकते हैं, पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए। ज्योग्राफी भी आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो आप सिर्फ पीजीटी के लिए कर सकते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी आप दोनों के लिए कर सकते हैं, पीजीटी और टीजीटी। मैथमेटिक्स भी आप दोनों कर सकते हैं, फिजिक्स भी आप दोनों कर सकते हैं और केमिस्ट्री भी दोनों कर सकते हैं। बायोलॉजी भी आप दोनों कर सकते हैं, पीजीटी एंड टीजीटी। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आप सिर्फ पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी में भी सिर्फ पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। कॉमर्स में भी आप सिर्फ पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक्स में आप दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो होम साइंस है उसमें आप सिर्फ पीजीटी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिजिकल एजुकेशन में आप दोनों का ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट कि आप पीजीटी और टीजीटी में क्या क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम आगे बात करें क्वालिफिकेशन की। जो पीजीटी है उसमें क्या होनी चाहिए, आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में जिसमें भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपकी बीएड भी होनी ज़रूरी है। तो ये तो आ जाता है इसमें, लेकिन जो फिज़िकल एजुकेशन वाला है उसमें क्या बात अलग है कि आपकी सिर्फ मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिज़िकल एजुकेशन में, उसमें आपकी बीएड ज़रूरी नहीं है। फिर आता है टीजीटी में, आपका डिग्री होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट में जिससे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपके पास बीएड होनी ज़रूरी है। फिर जो ये कंप्यूटर है और फिज़िकल एजुकेशन में, इसमें आपके पास बीएड होनी ज़रूरी नहीं है। फिर आता है पीआरटी, पीआरटी में आपके पास ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है, आप मतलब ग्रेजुएट होने ज़रूरी है और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है, फिर आपने वो किसी से भी किया हो, बीएड किया हो, डीएलएड किया हो या फिर कोई भी किया हो। इसमें एक और जो पॉइंट है वो बढ़ गया है, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स वाला बढ़ गया है। जैसे कि कुछ लोग कर लेते हैं बीएससी बीएड कर लेते हैं, बीए बीएड कर लेते हैं, तो ये 4 साल वाला डिप्लोमा वाले भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आगे बात आती है लिस्ट ऑफ टाउन्स या फिर सिटीज़ वेयर एग्ज़ाम सेंटर्स आर, कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर है। अगर आप यूपी से हैं तो आप आगरा से भी भर सकते हैं, बरेली से भी भर सकते हैं,
आप गुरुग्राम से भर सकते हैं, गाज़ियाबाद से भर सकते हैं, और आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली का भी भर सकते हैं। बहुत सारी इसमें जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो दिए हुए हैं। टोटल इसमें इस तरीके से 74 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, वाराणसी, श्रीनगर, जयपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, कोटा, तो इस तरीके से इसमें टोटल 74 सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, जहाँ से आप अपना हिसाब से अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये पूरा क्राइटेरिया बता दिया है कि इसमें कैसे कैसे आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कितना इसके एग्ज़ाम फॉर्म की डेट है, कितनी इसकी फ़ीस है, या फिर इसके फॉर्म कब फिल किए जाएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके दोनों स्टेजेस के बारे में भी हमने बात कर ली है। और जो हमारा मेन मुद्दा था कि आपको ये फॉर्म फिल करना है या नहीं, तो ये आता है बात कि आप अपने दिल से पूछें कि आप क्या एक एग्ज़ाम ऐसा फॉर्म फिल करना चाहते हैं जिसमें कि अगर आपका नंबर नहीं भी आए तो आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा है कि आपका नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसमें दोनों ही पॉइंट्स पूरे पूरे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।